अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अगर किसी लड़की या लड़के की शादी ना होती हो, बंदिश हो, रुकावट हो, या सिरे से ही रिश्ते ना आते हो, रिश्ते में कोई रुकावट, बंदिश या अड़चन हो, तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और नेक और अच्छा रिश्ता लाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मुजर्रब, पावरफुल वजीफ़ा और अमल है, बहुत ही कारगर अमल है। आप इसको एक मरतबा ज़रूर आज़मा कर देखें। इंशाअल्लाहुर्रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से आपके रिश्ते का इंतज़ाम फरमा देंगे और नेक और अच्छे रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से आपको अता फरमा देंगे। बेशुमार रिश्ते आएंगे, इतने रिश्ते आएंगे कि आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पर रिश्ता करें। बहुत ही अच्छे और नेक रिश्ते आएंगे, अच्छे घरानों के रिश्ते आएंगे, बड़े रिश्ते आएंगे, नेक और अच्छे रिश्ते आएंगे। जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से रिश्ते आएंगे। लड़की या लड़का खुद इस अमल को कर सकता है या फिर लड़की या लड़के के माँ बाप भी इस अमल को कर सकते हैं। करना क्या है, कैसे करना है, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, आप इसको ज़रूर आज़मा कर देखें। बहुत सारे भाई बहन परेशान होते हैं कि उनके रिश्ते नहीं हो पाते या रिश्ते में कोई रुकावट होती है, बंदिश होती है, रिश्ते आते हैं लेकिन मना हो जाते हैं या इसी तरीके से पसंद करके जाते हैं, बाद में वो फ़ोन करके उनको मना कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, तमाम रुकावटों को, बंदिशों को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। करना आपको ये है कि रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और शाम को मगरिब के नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। फजर की नमाज के बाद और शाम में मगरिब की नमाज के बाद 500 मरतबा पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाहुर रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्द नेक और अच्छे रिश्ते का इंतज़ाम फरमा देंगे और जो रुकावटें, बंदिशें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। आप हमारी इस वीडियो को सदक़ाए जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें।